जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। जानकारी दे दें कि बीएनबी ने बेमिसाल 6 साल जहां मनाया, वहीं बीएनबी आप सबों के घर घर और दिल दिल तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए जरूरत है आप सबों का भी प्यार। जी तो इसके लिए, इस प्यार को बरकरार रखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और बने भी रहें बीएनबी से, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बींगाबाद प्रखंड क्षेत्र के सोनबाद पंचायत के अलावे कई पंचायतों में कोरोना वैक्सीन को लेकर शिविर लगा करके वृद्ध महिला पुरुषों को दिया जा रहा है टीका। बताया जाता है, इधर स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संतोष कुमार ने कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को टीका लगाया जा रहा है, जो पंचायतवार शिविर लगाया गया है। कहा कि स्थानीय लोगों को जागरूक होकर के इस कार्यक्रम में भाग लेकर के टीका दिलवाने का अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। कहा कि देश में कोरोना अब तक हटा नहीं है, इसके बचने के लिए हम सबों को टीका अनिवार्य है। कहा कि वृद्ध महिला पुरुषों को जल्दी अटैक कोरोना करता है, इसलिए सर्वप्रथम प्राथमिकता वृद्ध महिला पुरुषों को दी गई है। इधर आज सोनबाद पंचायत में भी टीकाकरण शिविर लगा, वहीं पूर्व में चपुआडी पंचायत भवन में भी लगा था। लगातार बींगाबाद प्रखंड क्षेत्र के जगह जगह पर टीका लगाया जा रहा है। इधर इस मामले में आजीविका महिला संकुल संगठन की दीदियां भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है और जागरूक कर वृद्ध महिला पुरुषों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या पंचायत भवन में ले जाकर के पहुंचाया जा रहा है और उसे टीका दिलवाया जा रहा है। इधर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संतोष कुमार ने कहा कि हर एक लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगेगा, जो लगाना नितांत आवश्यक है। इधर लोगों ने कहा कि टीका लगाने के बाद सहज महसूस कर रहा हूँ। पंचायत भवन संवाद में कितने लोगों को ये टीका कर देना है और कौन से लोगों को देना है, बताएंगे सारे? 50 लोगों को टीका देना है। अच्छा, आज कितने लोगों को टीका मतलब पड़ रहा है या पड़ना है? पड़ना था, 50 पड़ा है। अच्छा, ये मतलब शुरुआत अभी हो रहा है ना? और ये कितने बजे आप लोग कैंप रहेगा मैम? 9 से 5 तक। 60 प्लस जो एज है उनका टीका पड़ना है ना? क्या नाम हुआ आपका? प्रतिभा कुमार। आप यहाँ क्या मतलब कौन से पोस्ट में आप हैं? ANM है। आपने कोरोना का वैक्सीन लिया, किसी तरह का कोई प्रभाव कुछ किस तरह लग रहा है क्या आपको इसमें? कोरोना का इंजेक्शन लेने के बाद किसी भी प्रकार का मैंने त्रुटि नहीं बुझाया, अच्छा लगा। और हम लोगों से अपील भी करेंगे कि जो सरकार की जो कोरोना निरोधक इंजेक्शन जो लगा रहे हैं वो स्वेच्छा से, अभी जिस हिसाब से एज के हिसाब से 60 एज के ऊपर के या 60 से एज के हिसाब से जो दिया जा रहा है, लोगों से अपील है कि आ करके ले ले। इससे अभी इंजेक्शन लेने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आया और अभी तक हम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारा इंजेक्शन लिए हुए मैं लगभग, क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा नाम चांदो मंडल। इसी पंचायत करने वाले? हम इसी पंचायत के हैं। ओके, थैंक जी। नमस्कार, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूले। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते।